नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ब्रेक फेड टर्म की। जो ब्रेक फेड टर्म होती है वो क्या होती है? देखिए, ब्रेक फेड टर्म को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो ड्रम ब्रेक है, मेनली क्योंकि ये ड्रम ब्रेक में पाई जाती है, जो आपकी बाइक होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो आपकी ब्रेक्स हैं थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाती हैं, यानी कि फेड हो जाती हैं, जो उनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आप ब्रेक अप्लाई करते हैं फोर्स के साथ, लेकिन जो व्हीकल है वो रुकती नहीं, तो इस टर्म को हम ब्रेक फेड बोलते हैं। तो ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है, देखिए, जब भी आप हाई स्पीड के ऊपर हों और ब्रेक्स का बार बार यूज़ करते हों तब ये हो सकती है। अगर गाड़ियों में ड्रम ब्रेक है तो जैसे कि कोई ड्राइवर है वो ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखे रखे जब गाड़ी चलती रहती है, तो उस दौरान भी हल्का हल्का ब्रेक पैडल को दबाए रखे तो उससे भी ब्रेक फेड हो जाती है। तो हाई स्पीड पे, हाई लोड पे आप बार बार जब ब्रेक का यूज़ करते हैं तो वो फेड हो जाती है। तो ब्रेक फेड टर्म क्या है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाना, यानी कि प्रॉपर जो हमारे हमें फोर्स चाहिए व्हीकल को रोकने के लिए वो नहीं हो पाती, हम नहीं दे पाते और व्हीकल नहीं रुक पाती, तो उसको हम ब्रेक फेड बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रम ब्रेक किस तरह के बनी होती है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं। देखिए, ये सबसे बाहर है रोटेटिंग ड्रम। ये रोटेटिंग ड्रम होता है जो व्हीकल होती है उसके व्हील के साथ उसको बोल्ट किया जाता है, ताकि जो व्हीकल का जो व्हील है रोटेट करे तो ये भी रोटेट करे। तो ये रोटेटिंग ड्रम होता है, हमें इसी ड्रम को रोकना होता है जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा व्हील रुक सके और जो हमारी ब्रेक है वो अप्लाई हो सके। तो इसके अंदर देखिए रोटेटिंग ड्रम है, यहाँ पे ये लगा है एक्सपेंडर, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडर। ये एक्सपेंडर कई तरह के होते हैं, कैम शेप के भी होते हैं तो टोगल शेप के भी होते हैं, तो कई तरह के एक्सपेंडर यूज़ किए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे ही ये मूव करते हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये मूव करते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो ये इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये क्या हैं? ये ब्रेक शू हैं, ये हैं ब्रेक शू। तो ये दो हिस्सों में बंटे होते हैं, हाफ शू इस तरफ है और हाफ इस तरफ है, तो ये भी ब्रेक शू है और यहाँ पे ये भी ब्रेक शू है। इन दोनों ब्रेक शू के ऊपर यहाँ पे होती है फ्रिक्शन लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे रेड कलर में दिखाई है ऊपर ऊपर, ये होती है फ्रिक्शन लाइनिंग। ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है ये ऐसी मटेरियल की बनाई जाती है जो लंबे टाइम तक टिक सके और हीट को डिसिपेट आसानी से वो कर सके और कम उसका वियर हो। तो लगभग इसको एस्बेस्टोस का बनाया जाता है, उसके अलावा इसको फाइबर मटेरियल्स का भी बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन मेनली एस्बेस्टोस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये फलक्रम के थ्रू कनेक्ट होती है, ये फलक्रम है, तो फलक्रम के थ्रू ये दोनों जो स्प्लिट दो टुकड़े हैं यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है जो ड्राइवर है, उसको रिक्वायरमेंट होती है कि ब्रेक अप्लाई करनी है, तो एक्सपेंडर मूव करता है, और मूव करता है तो इन दोनों को पीछे की तरफ धकेलता है। जब ये इन दोनों को पीछे की तरफ धकेलता है तो ये रोटेटिंग ड्रम है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, इस तरह से इसके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। और जब ये कॉन्टैक्ट में आती हैं तो रोटेटिंग ड्रम को ये रोकने की कोशिश करती हैं और रोकती हैं, और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। अब देखिए, बार बार ब्रेक अप्लाई करने से या हाई स्पीड पर ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और ये घिस घिस के ख़त्म हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक फेड। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो वो उतनी एफिशिएंटली ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाता और व्हीकल नहीं रुक पाती, और आवाज़ भी कई तरह की उसके अंदर आती है, तो उसको ब्रेक फेड बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ब्रेक फेड टर्म यूज़ की गई है वो इसलिए यूज़ की गई है ताकि जो ब्रेक है वो एफिशिएंटली काम ना करे, तो उसको ब्रेक फेड बोलते हैं। अब यहाँ पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग भी लगाया गया है, ये स्प्रिंग लगाया गया है जो उसको अपनी पोजिशन पर, जब आप एक्सपेंडर को दोबारा से जब ब्रेक को रिलीज करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है इन शू को वापस खींच लेता है, तो अपनी पोजिशन पर वापस ले आता है। तो इस तरह से ब्रेक जो है ड्रम ब्रेक काम करती है, और फेड क्या होती है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और ब्रेक अच्छी तरह अप्लाई नहीं हो पाती। तो ये थी ब्रेक फेड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।